अस्सलाम वालेकुम, दिलचस्प मालूमात में खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में हम आपको बादशाही मस्जिद के बारे में दिलचस्प मालूमात से आगाह करेंगे। मुख्तलिफ अदवार में खूबसूरत से खूबसूरत मसाजिद तामीर करवाने का रिवाज रहा है। मुगलिया फन तामीर जहां दूसरी तामीरात में एक इनफरादी मुकाम रखता है, वहीं मसाजिद की तामीर में भी मुगलों के फन तामीर का कोई सानी नहीं। बादशाही मस्जिद लाहौर इसी फन तामीर का एक शहकार होने के साथ साथ लाहौर शहर की पहचान भी है। सुर्ख पत्थरों से बनाई गई ये खूबसूरत मस्जिद देखने वालों को अपने शहर में मुब्तला कर देती है। बादशाही मस्जिद किला लाहौर के मगरबी जानब खुलने वाले आलमगिरी दरवाजे के बिल्कुल सामने वाकई है। बादशाही मस्जिद की तामीर 17वीं सदी में 1671 से 1673 के दौरान की गई थी। मुगल बादशाह औरंगजेब आलमगीर ने अपने भाई मुजफ्फर हुसैन को इसकी तामीर की निगहदाश्त की जिम्मेदारी सौंपी, जो इस वक्त लाहौर के गवर्नर भी थे। 1840 में एक सिलसिला आया जिसकी वजह से मस्जिद के मीनारों की बुलंदी पर वाक़े बुर्ज बुरी तरह से मुतासर हुए। इस वाक़े को काफ़ी बरस बीत गए तो 1852 में इसकी बहाली का काम शुरू किया गया, लेकिन मुकम्मल बहाली फिर भी ना हो सकी। सही मानों में इसकी बहाली और मुतासर हिस्सों की दोबारा तामीर 20वीं सदी में शुरू की गई, जिस पर 50 लाख रुपये सिक्के राजुल वक्त लागत आई। आर्किटेक्ट नवाब जैन यार जंग बहादुर ने इसकी बहाली के तामीरती काम का नक्शा तैयार किया। तामीरती काम के मुकम्मल होने के बाद इसको असल शक्ल में वापस लाया गया। दोस्तों, ये उस दौर की सबसे बड़ी मस्जिद और अब पाकिस्तान की तीसरी बड़ी मस्जिद है। बरतानवी दौरे हुकूमत में इस पर कब्जा कर लिया गया था और इसे फौजी छावनी के तौर पर भी इस्तेमाल किया गया। आज ये पाकिस्तान के पुरकशिश मुकामात में से एक है। इसका फन तामीर भारतीय, वस्ती एशियाई, पारसी और इस्लामी फन तामीर का मरकब है। बादशाही मस्जिद एक पुरसकून और रूहानियत से भरपूर माहौल फराहम करती है। वहाँ बैठकर आप खुद को मुगल दौर की ही किसी सदी का हिस्सा समझने लगते हैं। वक्त रुक सा जाता है और जमानो मकान के इलम से दूर आप खुद को एक अलग ही दुनिया का हिस्सा समझने लगते हैं। नए जोड़ों की अक्सर ख्वाहिश होती है कि इनका निकाह इस खूबसूरत तारीखी मस्जिद में मुनक्किद हो। इस मकसद के तहत अक्सर व बेशतर निकाह की तकरीबात इस पुरसरूर मस्जिद में मुनक्किद की जाती हैं। ये मस्जिद 1986 तक दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद समझी जाती थी। दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद होने का एहसास तकरीबन 300 साल तक इसके पास रहा। इसी तरह 22 फरवरी 1974 को लाहौर में मुनक्किद होने वाले इस्लामी समिट के मौका पर 39 ममालिक के सरबराहान ने बादशाही मस्जिद में मौलाना अब्दुल कादर आज़ाद की इमामत में नमाज जुमा अदा की। इस बात से इसकी तारीखी अहमियत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। बादशाही मस्जिद में एक म्यूज़ियम भी तामीर किया गया है, जिसमें हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत बीबी फातिमा से ताल्लुक़ रखने वाली मुबारक नवादरात सजाई गई हैं, जो कि इसकी अहमियत में मज़ीद इजाफे का बाइस है। फ़न तामीर के लिहाज से बादशाही मस्जिद मुग़ल दौर के फ़न तामीर की सकाफत की भरपूर अकास है। मस्जिद के 3 गुंबद, 4 बड़े मीनार और 4 छोटे मीनार हैं। हर बड़े मीनार की लंबाई 30 फुट और हर छोटे मीनार की लंबाई 20 फुट है। इस शाहकार को लाहौर के ताजमहल के नाम से भी पुकारा जाता है। इसका फन तामीर जामिया मस्जिद दिल्ली से बहुत मुमासरत रखता है, जो मुगल बादशाह औरंगजेब के वालिद शाहजहां ने 1648 में तामीर करवाई थी। बादशाही मस्जिद की वसूत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसमें 56,000 लोग नमाज अदा कर सकते हैं। मस्जिद में नमाज पढ़ने की जगह 22,604 स्क्वायर फुट से ज़्यादा है और इसका अहाता 2,79,861 स्क्वायर फुट के रकबे पर मुश्तमिल है। अगर अहाते को भी शामिल कर लिया जाए तो मस्जिद में एक वक्त 1,00,000 लोग नमाज अदा कर सकते हैं। इसकी दीवारें छोटी ईंटों से बनाई गई हैं। इसका मरकजी हाल रंगों और नक्कूशों निगार से मुजयन संगे मरमर पर मुश्तमिल है। हिफाजती नुक्ता नज़र से इसकी दीवार 19.68 फुट लंबी तामीर की गई थी, ताकि करीब वाक़ दरिया रावी की वजह से सैलाब के बायस ज़ेरे आब न आ सके। बादशाही मस्जिद पाकिस्तान का सकाफती, सिफारती और सियाहती असासा है। इसकी तारीख और मुनफरिद फन तामीर की बिना पर पाकिस्तान को ये बैनुल अक्वामी तौर पर एक मुनफरिद मुकाम दिलाती है। जिस तरह हिंदुस्तान ताजमहल पर फख्र करता है, इसी तरह पाकिस्तान बादशाही मस्जिद पर फख्र करता है। दुनिया भर से मुगल सकाफत पर रिसर्च करने वाले सियाह और दीगर लोग जो सियाहत के शौकीन हैं, वो इस पुरकशिश मुकाम की तरफ खिंचे चले आते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई होगी। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल दिलचस्प मालूमात को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और हमारी वीडियोस को लाइक, कमेंट और शेयर भी जरूर कीजिए। अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़।